सर ये तो जैसे यू जब कोई भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें हर एग्जाम का एक बेसिक रूल होता है जब आप यू के लिए प्रिपेयर करते हो कि मे बी इन द फर्स्ट मैं क्लियर ना कर पाऊँ तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ जो भी रिजल्ट आया मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मूव ऑन उनके और दोबारा प्रिपेयर किया सर हेलो एवरी सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल एपिसोड ऑफ बाईजूज एग्जाम प्रेप स्पोर्ट लाइट एज यू नो इन दीज स्पोर्ट लाइट सेशन वी आर कमिंग विद द टॉपर्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन So, as you know ESC exam is uh, recently announced, so today we have a special guest with us Hari Singh who uh, got AIR 18 in mechanical engineering in engineering services examination, so as you know it is said to be one of the difficult most exam of India. So, today we will see uh, about his journey of preparation for this examination about his motivations and also the problems he faced during his journey and we will learn from that journey and uh, we will follow the important things what are required for us so guys uh, now we are starting the session with hari singh so hari singh first of all i welcome you uh, on this spotlight session thank you sir and uh, i would like to ask you on the side of aspirants that please uh, tell us uh, something about you that uh, what is your educational background from where you belong to uh, so that students gets to know about you uh, thank you sir first of all thank you for such a wonderful इंट्रोडक्शन सर बेसिकली मैं फ़तेहबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ हरियाणा स्टेट में और मैंने मेरा जो इनिशियल स्कूलिंग थी वो मेरे गांव के सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई थी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए एन आई कुरुक्षेत्रा ज्वाइन किया वहाँ मैंने मैकेनिकल स्ट्रीम में ट्वेंटी में ग्रेजुएशन किया उसके बाद सर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया फॉर द सेवन मंथ्स उसके बाद मैंने फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी को मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके बाद सर मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया गेट भी दिया मैंने गेट में, में मेरी ऑल इंडिया रैंक एट सिक्स थ्री थी उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था प्रीलिम्स दिया क्लियर हुआ मेंस दिया उसके बाद बट वो जो इंटरव्यू कॉल थी वो वन मार्क्स से रह गया मैं उसके बाद सर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिया उसमें मैंने आई गोट ऑल इंडिया रैंक टू फोर्टी सिक्स आफ्टर दैट आई गे इंजीनियरिंग सर्विसेज ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसमें प्री क्लियर हुआ मेन्स क्लियर हुआ नाउ फाइनलिस्ट में नाम भी आ गया सर ओके So, uh, Hari, as you said, it was your second attempt. Yes, so, generally, you know, generally the seats in uh, mechanical was slightly lesser. So, in the second attempt, you qualified. So, in the first attempt, also you were missed just by some of the marks. Yes, so, uh, once uh, you was not qualified for the first attempt, uh, it, it was not like demotivating for you. And how you uh, come up with that and uh, go and went for the second attempt. सर ये तो जैसे यूपीएससी जब कोई भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें हर एग्ज़ाम का एक बेसिक रूल होता है जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो कि इट्स ए मैराथन आप अगर यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मैंटली कि इट्स नॉट श्योर कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे तो ये मैं जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर तब भी मुझे पता था कि हो सकता है मुझे दो अटैम्प्ट लगें तीन अटैम्प्ट लगें तो वो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तभी से मैंने इतना अपने आप को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग किया था कि मे बी इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मैं क्लियर ना कर पाऊँ तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो ऑल uh, दो मेरा एफर्ट हंड्रेड परसेंट था तो मैंने हमेशा से ही एफर्ट पे फोकस किया था तो अगर मेरा एफर्ट हंड्रेड परसेंट था उसके बाद जो भी रिजल्ट है मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मूव उनके और uh, दोबारा प्रिपेयर किया सर सो हरी एज यू हैव ऑलरेडी डन समाइवेट जॉब ऑल्सो दैन क्वालिफाइड गेट विद अ गुड रैंक ऑल्सो वर्किंग इन समर्मेंट ऑर्गेनाइजेशन सो नाओ वैन यू आर लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस

फ्रेंड्स से सीनियर से डिस्कस किया तब मेरे पास ये ए, मैंने जो देखा कि मेरे पास ये दो ऑप्शन हैं आई आई कैन गो इन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में भी सर मैं पब्लिक uh, सेक्टर में जा सकता हूँ फिर मैंने मेरा यही था बट मेरा ऑलवेज फर्स्ट टारगेट मेरा यही था कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करना ओके सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक जनरली स्टूडेंट स्टार्ट देयर प्रिपरेशन इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जनरली

ये उससे रिजाइन करके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की करी दैट्स रियली ग्रेट सो व्हाट विल यू से टू द और एस्पायरेंट दैट वेदर दे स्टार्ट देयर देयर प्रिपरेशन ड्यूरिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर और आफ्टर द बीटेक इट वुड बी पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज सर मुझे लगता है कि बेसिकली एग्जाम इट्स नॉट अबाउट की वेदर वी वे आर वे स्टार्टिंग इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और आफ्टर द बी इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए टाइम मिनिमम ये एक साल का तो इसका प्रोसेस होता है इस एग्ज़ाम का इसका मल्टीपल जैसे प्री मेंस इंटरव्यू एक साल का प्रोसेस और एक साल आपको मिनिमम चाहिए इसकी बेसिक प्रिपरेशन के लिए तो इसको बेसिकली आपको टू इयर्स डिवोट करनी है इस एग्ज़ाम के लिए तो अगर आप कॉलेज टाइम में ही स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज टाइम के साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर कर लेते हैं तो वो अगर आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको एडवांटेज uh, ही देगा कि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में प्रिपरेशन कर सकते हो वही चीज़ें आपको जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वही आपको इन डेप्थ पढ़नी है उसको आप उसके साथ भी कर सकते हो उसके बाद क्या होगा अगर आप कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आपके ऊपर टाइम कंस्ट्रेन रहेगा क्योंकि फिर साथ में एज का फैक्टर रहेगा तो फिर आपके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट अगर कॉलेज टाइम में स्टार्ट कर दो तो ये आपके लिए मुझे लगता है जो मुझे भी लगता था कि यार मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी कॉलेज में तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हो सके तो आप कॉलेज कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन एक और चीज़ हरी की यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन गेट आल्सो और इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वालिफाई किया तो क्या स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन साथ में हो सकता है या गेट का प्रिपरेशन इज डिफरेंट एंड ई प्रिपरेशन इज डिफरेंट सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का तो डिफरेंस है बट वो आप बेसिक जो है बेसिक जो किसी एक हमें मैकेनिकल ही पढ़ना है तो मैकेनिकल के जो फंडामेंटल्स है वो तो आपको ई एस में भी हेल्प करेंगे और गेट में भी हेल्प करेंगे उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम की डिमांड चेंज हो जाती है गेट गेट इज ऑल अबाउट नुमेरिकल तो उसमें आपको आप आपकी जो नूमेरिकल एबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है और ई एस के ई एस में आपको थोड़ी बैलेंस अप्रोच रखनी होगी आपको थ्योरी पे भी फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है प्लस आपके पास कैलकुलेटर नहीं है आपको स्पीड पे फोकस करना है क्योंकि आपको तीन घंटे में 150 क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं तो वो थोड़ा सा डिमांड अलग हो जाती है बट अदरवाइज मुझे लगता है कि आप एक साथ कर सकते हो प्रिपरेशन सब कर सकते हो बट थोड़ा सा डिमांड अलग है वो आप जैसे टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आप उसी को अपने उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपने आप मतलब आप अडेप्ट मतलब तो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट से अगर हम बी के लिए डालें तो आई फिल प्रिपेयर हाँ ग्रेट सो एक और चीज़ जनरली स्टूडेंट्स को रहता है कि जब भी वो प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो बहुत तरह के हर्डल्स प्रिपरेशन के अंदर आते हैं जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होता है कि कुछ वाइवाज आ गए कुछ असाइनमेंट्स हो गई कुछ मिड एग्जाम आ गए और जब आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि आपकी एक नाइन टू सिक्स या टेन टू वट एवर तो वो एक कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं आ जाता है सो हाउ टू फेस दोज काइंड ऑफ हर्डल्स एंड हाउ वी कैन वर्क अपॉन दिस दैट किस तरीके से हम इसको कम uh, ओवर uh, करें सो so दैट हम अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर पाए लाइक यू हैव डन इट सर बेसिकली देखो जैसे कॉलेज टाइम में मैंने प्रिपेयर नहीं किया था बट कॉलेज टाइम में ये हर्डल आ, आ सकती हैं क्योंकि जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने प्रिपेयर किया था ये हर्डल आती हैं जो मेरा केस uh, था मैंने uh, जब ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने स्टार्ट किया उसके बाद जस्ट कोविड आ गया तो मुझे तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी हर्डल uh, वही कोविड की थी तो कोविड में बेसिकली एक तो यह था कि आप अपने आप को उससे भी बचाना है कि आप इन्फेक्ट ना हो जाओ किसी तरह और उसमें ये होता है कि एक फिर क्या होता है ना कि ये फर्स्ट टाइम था तो आपको कोई आइडिया नहीं था कि कब तक ये रहेगा कब आपके एग्ज़ाम वेदर टा, टाइमिंग पे होंगे या नहीं होंगे क्या फ्यूचर सुनहरियो होगा तो उस टाइम में आपको मेंटली आपको बहुत पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी ज़रूरी है कि नहीं मेरे को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है हाँ हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाए बट मेरे को अपना फोकस लूज नहीं करना है तो मेन वही मुझे तो ये लगता है सर कि आप चाहे कॉलेज टाइम में हो जो भी हर्डल्स हो हर्डल आएंगे नो no डाउट ये ये जर्नी स्मूथ नहीं हो सकती ये एक तो आपने एक टाइप बोल दिया ये हर्डल्स हैं कई और तरह की हर्डल्स हो सकती है आप एग्ज़ाम जब प्रिपरेशन कर रहे हो कभी आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आ गए कॉन्फिडेंस हो गया अदरवाइज मार्क्स कम आ गए फिर आप डीमोटिवेट हो गए वो भी मैं ये मानता हूँ एक हर्डल ही है कि आप जो एक फ्लो आपका फ्लो टूटता है तो हर्डल्स तो आएंगी सर बट यू हैव टू बी रेडी टू फेस दोज हर्डल्स एंड टू ओवरकम दोज हर्डल्स सो so, uh, uh, journey डू यू फील seen some यू वर इन who जर्नी यू मस्ट preparation और कुछ वीकनेस भी रही होंगी जहां पर आपको काम करना पड़ा होगा सो so, what were your स्ट्रेंथ एंड weaknesses एंड हाउ यू ओवरकम your वीकनेसेस सर एक तो ये था कि स्ट्रेंथ में तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग आवर्स का मेरा था कि मैं पढ़ सकता हूँ तो लॉन्ग आवर्स का ये मेरा कहीं ना कहीं एडवांटेज था और वीकनेस का ऐसा था कि मैं जो मॉर्निंग का टाइम था सर उसमें शुरू से ही यह था कि मैं मतलब एक तरह से रात को पढ़ने वाला था बट मॉर्निंग में मेरे लिए बड़ा पढ़ना डिफ़िकल्ट होता था बट रात में क्या होता है ना जब आप कंटिन्यूस लंबे टाइम पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है तो फिर वही धीरे 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 आपका बेसिकली आपको अगर आपको ये क्लियर है ना कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्यों वाई आई स्टार्टेड और मेरा एंड गोल क्या है अगर ये दो चीज़ें आपके माइंड में ना तो मुझे नहीं लगता कोई भी आप वीकनेस है उसको आप आप अप उस अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो लास्ट में ऐसा ही होता था सर मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि वो शुरू में तो ये था कि मैं सुबह क्या पता दस बजे तक मैं स्टार्ट ही ना कर पाऊँ और लास्ट के फेज़ में ऐसा होता था कि मैं सुबह चार साढ़े चार बजे उठता था साढ़े चार से लेकर साढ़े दस तक का लगातार सिक्स आवर्स का वो एक सीटिंग में मैं लगातार पढ़ाई भी मतलब टोटली चेंज ही कर बिल्कुल चेंज कर दिया था वो कहीं ना कहीं क्योंकि उसका एडवांटेज होता था सर मॉर्निंग आवर्स में मैंने देखा है कि मेरे को बहुत एडवांटेज मिला है जो मॉर्निंग आवर्स में मैंने रिविजन किया या जो भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया सर और uh, क्या लगता है आपको लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी लोग बोलते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टेस्ट सीरीज इन सब की या मॉक टेस्ट इन सब की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी प्रिपरेशन में सर नो no डाउट एक तरह से जो प्रीवियस ईयर्स थे प्रीवियस ईयर मतलब अभी तो क्या हो गया पैटर्न चेंज हुआ सर ट्वेंटी सेवेंटीन के बाद तो उससे क्या हुआ कि नए क्वेश्चन आने लगे हैं तो बट अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पीवाई क्यू की इंपॉर्टेंस नहीं पी -वाई की है पीवाई क्यू की इंपॉर्टेंस है उनको आप एज़ ए क्वेश्चन बैंक यूज़ कीजिए क्योंकि बेसिकली वही आ, टीचर्स हैं वही प्रोफेसर हैं जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं जिन्होंने प्रीवियसली क्वेश्चन सेट किए हैं तो एक उससे आपको ना एक यूपीएससी की बेसिक अप्रोच जरूर पता लगेगी कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है एग्ज़ाम में तो उससे आप मतलब अब क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं बट आप पिछले दस साल के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए क्वेश्चन उसके अलावा सर मेजर सोर्स है जैसे बाइजू उसका भी मैंने देखा था कि इनके अंदर जैसे क्विजिज़ आती हैं तो क्विजिज़ ने मेरे को बहुत हेल्प की वो ना बिल्कुल एक कुछ नया फिर टेस्ट सीरीज थी तो टेस्ट सीरीज में भी यही रहता था, था कि टेस्ट सीरीज़ में आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे को उसने प्रीवियस ईयर और जब उन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो वो मेरा एक मेजर जो सोर्स था क्वेश्चन का वही था सर तो आपको कैसे लगता है कि ऑब्वियसली जब हम ऐसी एक एग्ज़ाम एक की प्रिपरेशन करते हैं नो डाउट सेल्फ स्टडी भी काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं बट आई फील कि अगर सफ़र में कोई साथ देने वाला तो सफ़र थोड़ा छोटा हो जाता है सो हाउ यू फील लाइक हाउ बाई एग्जाम प्रेप कैन हेल्प टू द स्टूडेंट सर like एक तो जैसे मैंने बोला जैसे daily quizzes होती थी वीकली उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की दूसरा जैसे लाइव क्लासेज हैं इनके आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाते हैं तो किसी टॉपिक में मेरे को डाउट होता था सर तो मैं मतलब देख लेता था तो वो डाउट्स क्लियर हो जाते थे तो जैसे टेस्ट सीरीज दिया कोई आपका टॉपिक है कि ये नहीं है टॉपिक मेरा ज़्यादा वीक है आप गो टू द बेसिक्स तो वहाँ पे देखा कि यार इसका तो मेरे को तो फिर मैंने वाइज का ये देखा लाइव लाइव सेशंस अगर लाइव सेशंस किसी कारण से मिस हो गया रिकॉर्डेड सेशंस है आप बार बार देख सकते हो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि ये क्विजीज़ हो गया और ये लाइव सेशंस या इसी को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है फ्यूचर एक्सपेरेंट्स को अगर सो so, uh, हमने एक बहुत जनरल uh, डिस्कशन जो जनरली स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं Uh, इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि कुछ स्पेशल सक्सेस मंत्र आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो भी एस्पायरेंट है अभी जो देने वाले नेक्स्ट ईयर एग्जाम जो कि उनकी हेल्प कर सके एनीथिंग लाइक दैट कुछ स्पेशल सर मैंने तो बेसिकली क्या है ना कि अपनी इस प्रिपरेशन फेज में सीखा है अलग अलग चीज़ें तो मैंने जो एक क्रिस मुझे लगता है कि जो तीन मेन थिंग्स जिन्होंने मेरे को हेल्प किया है सबसे पहली चीज़ थी कंसिस्टेंसी दूसरी चीज़ डिसिप्लिन और तीसरी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो ये था कि बी होनेस्ट विद यूर सेल्फ अगर आप खुद से ईमानदार रहोगे रहो तो आप इस एग्जाम में जरूर सक्सेस ले, ले पाओगे दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इट डजेंट मैटर आप अपने आप से बिल्कुल ईमानदार रहिए आप अपने आप को आप रेगुलर इवेल्यूएट करते रहिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ अगर ये मेरी वीकनेस है तो मुझे मुझे ही इस पर काम करना है मुझे ही इसको अपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाना है तो मेजर जर ये कहूँगा सर और डिसिप्लिन तो देखो इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ऐसा नहीं है कि आप दो दिन आपने प्रिपरेशन की तीसरे दिन आप गए और आपने एग्जाम क्रैक कर दिया ये आपको बेसिकली आपकी पेशेंस पेशेंस टेस्ट टेस्ट करेगा आपका इमोशनल आप कितना स्ट्रांग हो मेंटली आप कितना स्ट्रॉन्ग हो सब टेस्ट करेगा तो उसके बाद तो ये तीन फैक्टर मैं कहूँगा मुझे सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है मेरी सक्सेस में ये तीन फैक्टर हैं सर सो गाइस जनरली गेट एग्जाम को कंपेयर किया जाता है टी के साथ और इंजीनियरिंग सब एग्जामिनेशन को कंपेयर किया जाता है टेस्ट मैच के साथ

so i feel a lot of the things you have learned from this session so we will meet in the similar other spotlight with other toppers so goodbye for this session